बीते दो सालों से बद्री विशाल के दर्शन की पाट जो रहे श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। पूरे विधि विधान मंत्रोच्चार और सेना बैंड की धुनों के साथ भगवान के कपाट खोले गए। कोरोना काल में बीते 2 सालों बाद आम भक्तों के लिए बद्रीनाथ के कपाट खोले गए हैं। अब अगले 6 महीने तक भक्त बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। इस मौके पर धाम को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इससे पहले 6 मई को केदारनाथ का कपाट खोला गया था। रविवार तड़के 3 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बद्रीनाथ धाम खुलने के साथ ही यहां भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के बीच करीब 50 किलोमीटर के रास्ते में कई खतरनाक लैंडस्लाइड जोन है। बताया जा रहा है कि यात्रा का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक डेंजर जोन सुरक्षित नहीं बन पाए हैं। हालांकि कई जगहों पर अच्छी सड़कें बनी हैं, जगह जगह काम भी चल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।